ये गाड़ी भाई उल्टी थी, ठीक है ना, इसको सीधा भी किया तो आधा डिवाइडर पे चढ़ा दिया है भाई। जिंदगी में मैंने इतने महंगे मैट पहली बार खरीदे होंगे, 23,000 रुपए के मैट देखना एक बार। The 20K is just for the Land Rover logo. भाई एग्जॉस्ट भी ऑर्डर हो चुका है एंड इट्स ऑन इट्स वे। ओ शिट, बहुत ब्राइट है भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। भाई आज का व्लॉग श्रेयजोन और सात्विक स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू की कमांड सात्विक और श्रेयजोन के हाथ में, तो राम जाने इस व्लॉग में क्या होने वाला है, कुछ खतरनाक ही होगा। डोंट वरी, चैनल अभी भी तुम्हारे भाई का ही है, यानी कि मेरा ही है, बस ये दोनों मेरे छोटे भाई स्टार्टिंग कर रहे हैं आज के व्लॉग की। भाई निकले थे बढ़िया शूट करने YouTube के लिए, बढ़िया भाई शॉट्स ले रहे थे। ये देखो ट्रैफिक देखो भाई, मेरे ख्याल से एक घंटा हम यहीं है अब। ये गोल चक्कर तक पैक है। वो तो कह रहे हैं आगे खुला है। कौन कह रहा है? अश्विन भैया, हो सकता है बीच में एक्सीडेंट हुआ है। ये पश्चिम बिहार का पुल है, कुछ भी हो सकता भाई, है। आराम से चलाया करो गाड़ी, रात को ड्रिंक मत किया करो गाड़ी चलाते हुए। देख ये पश्चिम बिहार का पुल ना ट्रेवल करने के लिए कम है, ये बर्थडे सेलिब्रेशन, डांस पार्टी, पैग लगाने के लिए। क्या किराए पे मिलता है ये? भाई मेरे ख्याल से किराए पे मिल रहा है आजकल जो हाल है इसका। आगे खुला है, हाँ भाई कुछ तो हुआ है। अब यहाँ हुआ क्या है, थोड़ा कंटेंट तो नू मैं भाई, यहाँ तो सिम्टम्स हो रखे हैं ट्रैफिक जाम। यार ये तो गलत ही फंस गए। हाँ करो ना, चलते चलते हो जाती है। हाँ अभी हो रही है। ओ उठ गई, उठी। ओह एयर बैग खुलते दिखे मुझे नीचे। भाई ये अब आप लोग अपने सामने देख लो, अब बढ़िया लग रही है उठी हुई। हाँ, तो ऐसे चलाएगा, ऐसे चला करो भैया। भाई अब ये भाई को देखो, स्कूटी वाले को। अबे एसी का दोस्त आ रहा है कोई, तो अभी भाग के जा रहा है। क्या उस साइड चली गई है क्या गाड़ी? भाई ये तो पूरा ट्रैफिक इसलिए लग रखा है यहाँ पे। ये देखो भाई, ये भाई डिवाइडर से इधर से जा करके टकराई है गाड़ी, अगर आप लोग देख पा रहे हो। हाँ ठीक है। और ये रहा भाई जिसके लगी है, ये गाड़ी खड़ी है भाई, भाई वो भाई सब खत्म, गाड़ी पलटी है, वो भी स्कूटी पलटी है, उसको स्कूटी पे लेके जा रहे हैं। जो स्कूटी वाला पीछे करतब कर रहा था ना आपकी गाड़ी के, वो उसी का दोस्त, वो उसी का दोस्त यार था। गाइस नाउ बैक टू बी रोल्स। ये री डिफेंडर अप ट्रैफिक। भाई ये गाड़ी डिवाइडर पे सीधी, ये गाड़ी भाई उल्टी थी ठीक है ना, इसको सीधा भी किया तो आधा डिवाइडर पे चढ़ा दिया है भाई। अभी दिखाता हूँ, ये देखो इसको आधी डिवाइडर पे चढ़ा दिया भाई। हद हो गई है भाई, क्या कर रही है पब्लिक भाई। The next day. तो भाई थोड़े व्लॉग्स पहले आपने देखा था, रूफ लाइट हमने रख के देखी थी बट लगाई नहीं थी, अंदर लाइट वगैरह भी फिट नहीं हुई थी, तो आज फाइनली लगाने के लिए लाया हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, थोड़ा ऑफिस में बिजी था भाई, वहाँ से यहाँ से तो बहुत प्यारी लग रही है भैया। ये इसका रिमोट है सर एक। ओके ये इसका रिले है। हाँ ये इसका मैनुअल है। ओके समझ गया, लोगो भी है। अरे वाह क्या बात है। तो भाई अब ये मत बोलना इंडिया का झंडा लगा दो, इट्स अ ब्रिटिश कार। वैसे तो टाटा ओन करता है बट ये साथ यही आता है भाई, लैंड रोवर्स आर ब्रिटिश कार्स ओनली। सही है यार, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। हरमन को बुलाना एक बार। आलस बोल रहा है, आलस वहीं से ही, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ सही है, बिल्कुल बैठ रही है जीरो जीरो। हाँ बाकी के अंदर चली जाएगी। समझ गया। हाँ ये खुल जाएगा, इसके अंदर से वायर आ जाएगी। ठीक है, कोई कंपनी की वायरिंग तो नहीं काटनी पड़ेगी, कोई वारंटी वगैरह तो नहीं वर्ल्ड होगी ना इससे? ठीक है। अच्छा वो यूनिट के साथ अलग से लग जाएगी। परफेक्ट लगा दो भैया, डैश कैम लगा दो ना प्लीज़।
यार थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया, मेरा डैश कैम नहीं लग पा रहा, आगे का लग गया पीछे का लग ही नहीं पा रहा। तो भाई दूसरी आइटम आ चुकी है भैया खोलना। एक चीज मैं कहना चाहूंगा हरमन बाजी, इधर आओ, आई विल शो यू व्हाट 23,000 rupees गेट्स यू फ्रॉम लैंड रोवर। मतलब जिंदगी में मैंने इतने महंगे मैट पहली बार खरीदे होंगे, 5-7-10 हज़ार तक के तो खरीदे हैं, बट 23,000 रुपए के मैट देखना एक बार। ये रबर मैट्स मेरे को चाहिए थे डिफेंडर के लिए, कहीं भी नहीं मिल रहे थे, सिर्फ लैंड रोवर में अवेलेबल थे। मैं कह रहा हूँ कंपनी में फिर यही तो है। तो क्वालिटी इज वेरी नाइस, क्वालिटी अच्छी है। हाँ देखो इसका क्या है पाजी, डिफेंडर के साथ क्या सीन है कि इसका इंटीरियर जो नीचे नीचे है सारा फ्लोर इट्स ऑल वॉशेबल, तो इतना इशू नहीं है, तो उसके साथ रगेडनेस में ही जाएगा। यू हैव टू ओपन इट लाइक अ मैन। यस इट्स अ डिफेंडर, इट इज नॉट अ पुश बटन थिंग। जी अभी बिडिंग सब नई है ना, रबर वगैरह सब नया है, तो इट्स अ बिट हार्ड। गाइस द मोस्ट एक्सपेंसिव सेट ऑफ मैट्स आई हैव एवर बॉट 23,000 rupees। और जो ये वाले थे जो पहले हमने डाले हुए थे, इधर से दिखाता हूँ आपको, 70 वाले डाले हुए थे पाजी, इसमें एक छोटा सा इशू आया था। वैसे तो इशू वो बहुत मेजर हो जाता कि एक्सीलेटर पेडल अटक गया था। तो वैसे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, इसका इंटीरियर ऐसे भी पूरा वॉशेबल है, बट फिर ना इसको वैक्यूम ही करना पड़ेगा, तो इसलिए वी नीड मैट्स इन दिस। 20K इज जस्ट फॉर द लैंड रोवर लोगो। अच्छा हाँ, इट हैज अ लैंड रोवर लोगो। वैसे तो मैट ये 3,000 रुपए के हैं और बाकी 20,000 रुपए सिर्फ इस लोगो के हैं, लैंड रोवर का लोगो है तो इसलिए। बिल्कुल ऐप बात करी आपने। तो अभी थोड़े टाइम के लिए हमारे को तुषार ने भेजे हुए थे 70 वाले, तो हमने ये लगा रखे थे, लगते ये भी बहुत सुंदर है, फंक्शनल है। बट मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि ड्राइवर साइड पे जो ये वाला पार्ट आता है ना, ये क्लिप ऑन जाता है, इसमें ड्राइवर साइड पे आप ये वाला यूज मत करना, आप मैट्स बिल्कुल ऐसे ही रखना, नहीं तो उसमें एक्सीलेटर पेडल अटकने का इशू आता है थोड़ा सा। दिस इज द पैसेंजर साइड, ये ऐसे क्लिप हो जाता है। ड्राइवर साइड पे वेलक्रो से है तो ये बिल्कुल भी भाई मत लगाना, आपका एक्सीलेटर पेडल अटक जाएगा। मैट्स बहुत सुंदर है, कोई कमी नहीं है, क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है, बट डोंट यूज दिस ऑन द ड्राइवर साइड। पीछे भी दिया हुआ उन्होंने ये, मतलब इजी टू क्लीन करने के लिए, बस ये निकालो बकल और साफ करा लो। चलो भाई अब क्या करेंगे भैया, पहले वैक्यूमिंग हो रही है गाड़ी की। ओके तो आज भाई हमारी बेबी को थोड़ी सी पैम्परिंग मिल रही है। देखो पैम्पर तो मैं इसको बहुत करके रखता हूँ, हमने देखो माइक्रोफाइबर भी जो है मैग्वायर्स का रखा हुआ है, तो कोई आम नॉर्मल अमेजोन वगैरह वाला माइक्रोफाइबर नहीं रखा हुआ, महंगे वाला रखा हुआ है इसके लिए, तो इस गाड़ी को बहुत पैम्परिंग मिलती है भाई। तो वैक्यूम करेंगे पहले गाड़ी को, फिर मैट्स लगा देंगे। डैश कैम राम भरोसे, आगे का लग चुका है, पीछे का सच में राम भरोसे। तो ये है भाई स्टॉक मैट्स जो लैंड रोवर आपकी डिफेंडर के साथ है, दिखाना भी एक बार। इनकी भी क्वालिटी ठीक है, बट हमें चाहिए थे थोड़े से रफ एंड टफ रबर मैट्स, इसमें थोड़ी सी मिट्टी जमा, ये ज्यादा कर लेता, ज्यादा पकड़ लेता है, बट जो अब चीज लगाई है वो बहुत ही रफ एंड टफ है, अमेजिंग है। सो या वी कैन से मनी वेल स्पेंट। और फ्रंट के जो इसमें आपने देखा कंपनी वाले मैट्स थोड़े से छोटे थे, और पैर हमारे भाई देख लो बड़े बड़े से हैं, तो इसलिए हमने ये वाले लगा दिए, बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई गाड़ी के इंटीरियर के साथ। मेरे हिसाब से 70 वाले से ज्यादा सुंदर मेरे को ये लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ही गाड़ी के साथ आया, मतलब दे फ्लो विद इंटीरियर एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छा लग रहा है इंटीरियर। एक बार वन में कर लेते हैं, इसमें क्वालिटी थोड़ी बेटर आ जाती है, अब आपको दिख रहे होंगे। तो या लुक्स नाइस, लाइट का काम अभी भी चल रहा है वहां पे, जैसे ही ये सारा डन हो जाता है रखेंगे और इसको फिक्स कर देंगे, और उसके बाद ये पैनल खुलेगा, ए पिलर खुलेगा, ये पूरा निकल जाएगा बाहर, पहले ये स्लाइड आउट करना होता है, उसके बाद यहाँ एक बोल्ट है उससे आप इसको स्लाइड डाउन करो, ये निकल जाएगा, फिर आप वायरिंग इसके अंदर टक इन कर दो, उसके बाद यही सारे स्टेप्स उल्टी तरह दोहरा दो और ये आपका फिक्स हो गया, और उसके बाद यहाँ पर वायरिंग कर दो एंड यू आर ऑल सेट। इस पे ना वो लो मास्किंग टेप, उससे फर्मा बना लो ना एक। गाइस इसमें बेस्ट चीज ये होगी है कि जो फ्रंट के जो पार्ट है ना, वहां से रूफ ऐसे डाउन हो जाती है, तो ये लाइट वहां पर लगती है डाउन वाले हिस्से पे, तो ये एंटीना के नीचे नीचे रहती है, जो इसका शार्क फिन एंटीना, उसमें कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, तो उसके नीचे नीचे लाइट तो सबसे बेस्ट है भाई, हमारे घर में गाड़ी फिट आ जाएगी लाइट लगने के बाद भी। तो गाइस जब भी ये अर्बन वाली लाइट्स इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले प्राइमर वगैरह लगाए थे, ये 3M का ही प्राइमर है, अभी रूफ पे लग रहा है सारी, ये स्पॉइलर से पहले भी लगाया था हमने, लगाने से पहले भी। इससे क्या होता है कि पकड़ बिल्कुल मजबूत हो जाती है गाड़ी पे, एंड ये कहीं भी जाता नहीं, कितनी भी स्पीड पे कहीं भी जाता नहीं। वैसे तो ये वायर्स वगैरह से भी लगा होता है, तो ऐसा कोई इशू इतना आता नहीं है, बना लिया ना फर्मा इसी के ऊपर बैठ जाएगा। तो गाइस इन्होंने पहले देखो टेप लगा के एक बेसिक मेजरमेंट बना लिया कि कहां तक ये आ रहा है, एंड उतने हिस्से को प्राइमर से बिल्कुल क्लीन करके रेडी करके प्रेप करके, और उसके बाद बस लाइट्स ऊपर इंस्टॉल कर दी जाएंगी, एंड उसके बाद हमारी गाड़ी बिल्कुल मतलब इतनी सेक्सी लगने वाली ना क्या बताऊं भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, ये लाइट्स की क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है अर्बन वाली, मतलब नेक्स्ट लेवल। ये है भाई लोगो, यार मेरे को तो सही बताऊं इतना पसंद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल इसकी जगह कुछ कस्टम बना ले, क्या कहते हो, बन जाएगा वो तो अपने यहीं पे ही, हम क्यों लगाए भाई, ये अंग्रेजों का हटा दो, इतने साल इन्होंने राज किया हमारे पे, पाकिस्तान को अलग करवा दिया, क्या क्या करवा दी, लड़ाइयां करवा दी, ये नहीं लगाना भाई, इसको ऐसे ही रहने दे, इस पे कुछ अच्छा कस्टम यहीं पर बना के कुछ लगा देंगे। अच्छा भाई बिग शाउट आउट टू निशांत फ्रॉम एनवोक डिजाइन, एनवोक डिजाइन ने प्रोक्योर करवाई है भाई ये वाली अर्बन लाइट्स, क्वालिटी इतनी अमेजिंग है, एंड इसमें बहुत लिमिटेड
सॉलिड ऑप्शंस हैं। जो स्पॉइलर है उसके आई थिंक दो तीन वर्जंस ही हैं, एंड जो रूफ लाइट्स है उनके भी दो वर्जन आते हैं, एक जी वैगन वाली स्टाइल में आता है जिसमें सिंगल सिंगल है। ये हमने क्वाड एलईडी वाला चूज किया, इसमें चार एलईडी पॉड्स होते हैं। ये वाला मेरे को पर्सनली बेटर लगा, वो दो एलईडी पॉड्स वाला इतना बढ़िया नहीं लगा, तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर द फोर एलईडी पॉड वन। एंड जो स्पॉइलर है हमारा V1 है ये स्पॉइलर, एंड इसमें भी कई सारे ऑप्शन आते हैं। ये मैंने खुद मंगाया था फ्रॉम ईबे, और ये किसी ऐसे कुछ ब्रांड का नहीं है, मतलब ये ऐसे अर्बन वगैरह का नहीं है, ये बेसिक आई थिंक बड़ी सस्ती आइटम है। ये आई थिंक 14-15 हज़ार रुपए का मेरे को पड़ा था, ईबे से खुद ही मंगा लिया था मैंने, क्योंकि ये जो V1 वाला था ये मेरे को कहीं भी नहीं मिल रहा था। इधर अपशिफ्ट पे भी अवेलेबल नहीं था, निशान पे भी अवेलेबल नहीं था, तुषार पे भी नहीं था, ऑटोमार्क पे भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने खुद ही बाहर से मंगा लिया इसको। मेरे को ये वाला डिजाइन भाई पर्सनली बहुत पसंद है। इसके बाद और भी कई सारे डिजाइन आ गए, V2 आ गया, V3 आ गया, एक तो बहुत ही बड़ा सा आ गया, तो वो मेरे को इतना पसंद नहीं आया। ये थोड़ा सटल भी लगता है एंड रियर एंड को अच्छी लुक भी देता है, तो इसीलिए ये वाला हमने चूज किया भाई। एंड भाई एक भाई का पिछले वीडियो में कमेंट आया कि भैया आप भी तो कॉपी कर रहे हो ये डिजाइन और लोगों ने लगा रखा है, वो भाई देखो स्पॉइलर और रूफ लाइट्स में है ही बहुत लिमिटेड, मतलब दो ही ऑप्शन रूफ लाइट्स में और तीन चार ऑप्शन ही स्पॉइलर में है, तो अब वो पसंद आने की बात है। अब जो चीज अच्छी होगी वही सबको पसंद आएगी, तो ये वाला इसलिए लगाया क्योंकि मेरी पसंद है, किसी की देखा देखी नहीं लगाया वो, अगर आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हो तो। धीरे धीरे ऐसे ऐसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी और भी आइटम्स आती रहेंगी और भी ब्रांड्स और भी कंपनीज और भी चीजें बनाती रहेंगी इसके लिए, बट ट्रस्ट मी ये जो लिमिटेड ऑप्शन है ना, ये वाली चीज जो है इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं थे ज्यादा, रूफ लाइट्स इसमें ऑप्शन नहीं थे, तो ये तो मजबूरी थी। बट जो व्हील्स है जिसमें लाखों ऑप्शन है, वो ऐसे हमारे वन ऑफ अ काइंड आने वाले हैं कि अपनी टीम तक यार क्रेजी हो जाएगी, बहुत सुंदर डिजाइन है। एंड जो कन्वेंशनल सारे कान वगैरह लगा रहे हैं उससे बिल्कुल ही अलग ब्रांड है एंड बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, बहुत ही हाई क्वालिटी व्हील्स हैं, वो फोर्स्ड व्हील्स हैं जो आने वाले हैं, वो मतलब बहुत क्रेजी, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत बेटर हो जाएगी व्हील्स, वो बहुत ज्यादा हल्के हैं, तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द व्हील्स आल्सो। एंड एक गुड न्यूज बता दूं, चलो बता ही देता हूं, ये व्लॉग पता नहीं कब डले ना डले, भाई एग्जॉस्ट भी ऑर्डर हो चुका है एंड इट्स ऑन इट्स वे, एग्जॉस्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है एंड इट इज आल्सो ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एंड ऑफ अ वेरी रिप्यूटेड ब्रांड। तो अभी सब कुछ रिवील नहीं करूंगा, आगे वाले वीडियोस में सब कुछ रिवील करूंगा, अभी के लिए बस इतना ही एक इनसाइट दे दिया है। बट जो अपनी डिफेंडर लगेगी ना वो इतनी अमेजिंग लगने वाली है, गैंगस्टर डिफेंडर इसको ऐसी नहीं बुलाते, ये बहुत क्रेजी लगने वाली है। एंड जो बॉडी किट अभी इसके लिए ऑर्डर करी है ना वो भी बहुत अमेजिंग है, यू आर इन फॉर अ ट्रीट, मतलब हम इसमें ऐसी ऐसी चीजें करने वाले हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं करी, जो मॉडिफिकेशन टिपिकल डिफेंडर ओनर्स भी नहीं कर रहे, हम वो वाली करेंगे इसमें। बट कुछ चीजें हैं जो टिपिकल डिफेंडर ओनर्स वाली भी हमें लगानी पड़ेंगी, बिकॉज दे एक्चुअली लुक गुड, तो ये एक मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहता था अपने वीडियो में। भाई तीन बार पूछ रहा, कर दूं। तो इसमें यही है यार, यू हैव टू गेट इट राइट ऑन वन गो, अगर आपने हल्की सी भी गलत लगा दी तो आपको फिर सारी टेप वगैरह सब कुछ उतार के सब दोबारा से लगाना पड़ेगा। रख दी भाई, अब चेक करो, बिल्कुल सीधी लगी मेरे को, तो कोई टेढ़ापन लग नहीं रहा, बिल्कुल परफेक्ट लगी है, गैप वैप भी नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ अच्छा जी, ये ओरिजिनल आइटम है ना तो इसकी क्वालिटी है। मैंने गाइज और भी ब्रांड देखे थे, बहुत सस्ते में भी ये लाइट्स का ऑप्शन आ रहा था कि बहुत सस्ते में ये वाली पड़ जाती, बट उसकी क्वालिटी मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, इसकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। आप चाह के भी इसको मतलब अगर तोड़ना चाहूँ तो ये फ्लेक्स हो जाएगी बट टूटेगी नहीं, ऐसी क्वालिटी है इसकी। पेंट वगैरह की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, गाड़ी से बिल्कुल मैच हो रहा है। एंड उसके अलावा अभी भैया अभी तो आपने बहुत कुछ लगाना है, आगे के लिए भी बॉडी किट वगैरह भी सब मैंने ऑर्डर करा हुआ है, सारा आप ही ने लगाना, अभी पूरी गाड़ी आप ही तैयार करोगे सब। तो भाई ये अपशिफ्ट ऑटोज की सारी टीम है, बहुत ही बढ़िया और मेहनती लड़के हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं और बहुत सफाई से काम करते हैं, आप लोग देख ही रहे हो, तभी मेरी सारी गाड़ियों के इंस्टॉल्स वगैरह सब अपशिफ्ट पे ही होते हैं। अपनी R8 में भी बॉडी किट वगैरह सब यहीं से लगाई थी, मस्टैंग में भी स्पॉइलर वगैरह सब कुछ यहीं से लगा था, उसके अलावा GT ट्यूनर्स भी साथ में, एग्जॉस्ट वगैरह का सारा, मतलब जो परफॉर्मेंस मॉड्स हैं वो वहाँ पे होते हैं, तो अपनी सारी गाड़ियाँ इधर ही रेडी होती हैं। बहुत ही क्रेजी लुक निकल के आई है भाई, मतलब मैं बार बार ये वीडियो में बोल रहा हूँ, आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस, क्योंकि ये एक मॉड था जो मतलब मैं डिफेंडर लेने से पहले भी, कई बार आप ऐसे नहीं होता गाड़ी लेने से पहले सोच लेते हो, जो कार गाइज होंगे उनको पता होगा ये चीज कि ये मॉडिफिकेशन कराऊंगा, ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, तो ये मैंने सोच रखा था पहले कि ये लाइट्स तो लगानी है, मेरे को क्वाड वाली ही पसंद आई थी, ट्विन वाली इतनी पसंद नहीं आई थी, ये बहुत बढ़िया चीज हो गई यार, जो मैंने सोची थी चीज आज वो कर ही दी। तो स्क्रू ऑन हो रही है, अब जो लाइट्स हैं ऊपर वो स्क्रू हो जाएगी, तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। सो या दैट्स दैट, अब ए पिलर खोल रहे हैं भाई हमारे, ए पिलर खुलेगा, अब ये थोड़ा देखा नहीं जाएगा मेरे से, आंखें बंद कर लेता हूं पर कैमरा ऑन है, ठीक है, नीचे को जाएगा, नीचे को थोड़ी सी तो खुली रह गई। तो अगर किसी ने वंडर किया हो कभी भाई बिना ए पिलर कवर के डिफेंडर कैसी लगती है, तो ऐसी लगती है, ये इसके अंदर का लोहा है, ऊपर ये प्लास्टिक है और ये अंदर मेटल है, काफी स्ट्रांग है भाई, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो या दैट्स दैट, फाइनलाइज हो रहा है सब कुछ, पीछे के स्पॉइलर पे भी मास्किंग टेप लगा दी है ताकि वो भी और अच्छे से पकड़ बना ले, एंड इट विल बी डन वंस एंड फॉर ऑल, बस अब
एग्जॉस्ट अलॉयज बॉडी किट और थोड़ी बहुत छुटपुट और चीजें हैं। इंटीरियर के लिए कुछ आइटम्स मंगाई हुई है, उसके लिए वेट है बिकॉज भाई शिपिंग में टाइम लगता है, कस्टम्स क्लियरेंसेस में टाइम लगता है। जैसे सामान आ रहा है हम उसको लगाते जा रहे हैं और मॉडिफाई करते जा रहे हैं और अपनी टीम टकयार को दिखाते जा रहे हैं। आई एम श्योर जितना ये बिल्ड मैं इंजॉय कर रहा हूँ मेरी टीम टकयार भी उतना ही बिल्ड इंजॉय कर रही होगी। और अगर भाई इंजॉय कर रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सारे एंथुसिएस्ट फ्रेंड्स और फैमिली से। आप लोगों को पता ही है भाई ड्रिल, 6 लाख जल्दी से करा दो। और फिर थोड़ी सी हमने क्रेजी चीज प्लान करी हुई है, वो भी करेंगे। तो भाई जल्दी से 6 लाख करा दो ताकि वो क्रेजी चीज हम एग्जीक्यूट कर पाए। और अब मैं इनको छोड़ देता हूँ भाई, जब तक ये गाड़ी कंप्लीट होती है मैं अंदर ऑफिस में हरमन के साथ बात करता हूँ। थोड़े और भी पार्ट्स की हमने बात करनी थी। रियली ब्यूटीफुल बेंटली ओवर हियर है, बहुत सुंदर लग रही है ये। इट्स द कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर, बहुत सुंदर लग रही है, नाइस। पाजी ये आया इसके साथ, ये नहीं लगाना। एंड दिस इज प्लास्टिक, दिस इज नॉट मेटल। आई थॉट इट वाज मेटल। आड़ी पे ना मैं कभी, आप नोटिस करना, मैं कभी ऐसे रिलीजियस चीजें, भगवान से रिलेटेड चीजें एंड अपने देश से रिलेटेड चीजें इसलिए नहीं लगाता क्योंकि गाड़ी में मिट्टी गिरती है, कीचड़ गिरता है, ठीक है, चिड़िया ऊपर से क्या क्या करती है आप लोगों को पता ही है। तो मैं थोड़ा सा इसलिए ये चीजें अवॉइड करता हूँ गाड़ी पे, मेरा ये मानना है। इन्हीं का लगा लेते हैं और पेड़ के नीचे खड़ी कर देंगे भाई। एक काम करते हैं, टीम टकयार से पूछते हैं। टीम टकयार आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लगाना चाहिए भाई, जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो बताना आप लोगों को कैसा लगा एंड अपने सजेशंस भी बता देना, ये वाला लगाएं या कुछ और। आप लोग अगर डिफेंडर से रिलेटेड कुछ लगाना चाहो, इसका जो कोड है L663 वो भी लगा सकते हैं हम, कुछ अच्छे से डिजाइन में इसी के फॉन्ट में बना के। तो देखते हैं लैंड रोवर टाइप कुछ बना के भी लगा सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, जो आप सजेस्ट करोगे मैं वो लगा दूंगा यहां पे। A few moments later. तो भाई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी और लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। मैंने कहा एक बार टेप लग जाए उससे पहले एक बार जला के देखें। ओ हो क्रेजी भाई, बहुत सुंदर। ओ शिट, बहुत ब्राइट है भाई। तो ये इसका भाई रिमोट है एंड ये बंद हो गई। क्रेजी लग रही है भाई, बहुत सुंदर लग रही है। स्पॉइलर और ये लाइट्स तो मेरे ख्याल लैंड रोवर को कंपनी से लगा के देनी चाहिए, इतनी सुंदर लगती है इस गाड़ी पे, मतलब मस्ट हैव है ये आपकी डिफेंडर पे। बहुत क्रेजी लग रही है, बहुत ब्राइट भी है यार ये। एक्चुअल मुझे लगा है सिर्फ ये लुक्स के लिए होगी और ये तो रोशनी भी अच्छी देगी। थैंक यू भैया, लॉक कर देते हैं भाई। डिफेंडर में एक बीमारी है, जब तक लॉक ना करो गाड़ी तब तक ये आपकी बैटरी पीती रहती है। बहुत सुंदर लग रही है भैया, लगा दो आप फिर टेप अभी के लिए, फिर एक ही बार देखेंगे इसको। जलाऊं? ये लो भाई, भाई हमारा वीडियो बना रहा है, मतलब बहुत ब्राइट है, साइड से ऐसी लुक है। जगत भैया कुछ कह रहे, क्या कह रहे हो? हाँ ये ट्रक वाले बहुत हाई बीम मारते हैं ना, चार चार लाइटें लगा के और बड़ी बड़ी लाइटें लगा लेते हैं। अब उनको बताएंगे। नहीं नहीं यार, ये हमने किसी को तंग करने के लिए लगाई है। कभी हम ट्रिप पे गए कहीं जहाँ रोशनी वगैरह कम से ले वगैरह, तो वहाँ के लिए लगाई है। और लुक्स तो अच्छी लगती है बट जलाएंगे वहीं पर ही, बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे भाई। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने स्पाइडरमैन देखी होगी समझ आ गया होगा। बट बहुत प्यारी लग रही है भाई, एक लास्ट टाइम अमेजिंग। तो भाई ये हमारे सामने है हरमन पाजी की M340i, मतलब मैं बता रहा हूँ ये गाड़ी मतलब हरमन ने ली है और मेरे को इसको देख देख के इतना प्यार होता जा रहा है ना, बहुत प्यारी गाड़ी है और बिल्कुल अभी मतलब इतनी सुंदर लग रही है, आई हैव नो वर्ड्स। इस पे फ्रंट स्प्लिटर है, जो ग्रिल है किडनी ग्रिल उसको कार्बन किया गया है। आई थिंक व्हील्स पहले अलग थे, अब व्हील्स चेंज करा दिए। बहुत क्रेजी गाड़ी है और ये M साइड मिरर्स हैं कार्बन फाइबर में, बहुत सुंदर भाई, अमेजिंग। दिस इज वन सेडान व्हिच आई रियली लव, बट आई लाइक दिस वन, जो ये प्रीवियस जनरेशन मॉडल है ना विद अ स्मॉलर स्क्रीन, क्योंकि दिस इज हाईली ट्यूनेबल। ये काइंड ऑफ डकटेल स्पॉइलर है, दिस इज ऑल्सो इन कार्बन फाइबर, बहुत प्यारी लग रही है। एक बार वन करके दिखाता हूँ, इसमें क्लैरिटी थोड़ी बढ़ जाती है तो आपको दिख रहा होगा डकटेल स्पॉइलर। और ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है यार, मतलब बहुत ही अमेजिंग लग रही है गाड़ी। टेल लाइट्स भी इसकी बहुत सुंदर लग रही है। दिस इज वन सेडान विच आई कैन बाय फॉर डेली ड्राइविंग, मतलब मैं बोलता हूँ डेली ड्राइविंग। ये पैनामेरा की अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकती है, बट मुझे पता है डेली ड्राइविंग में बोलता हूँ, बट जब ये आएगी तो इसमें भी मॉड शुरू हो जाएंगे। बट अगर मैंने ली M340 आए तो मैं एग्जैक्ट ऐसी तैयार करूंगा, आई वुड चूज डिफरेंट व्हील्स बट बाकी सब कुछ ऐसा ही। एंड द स्टॉक कार इज ऑल्सो लाउड एंड एग्जॉस्ट वगैरह लगने के बाद तो बहुत ही सही है। नई वाली में इशू कुछ नहीं है, उसका BSM मॉड्यूल लॉक्ड है एंड ECU भी अभी उसका आई थिंक अनलॉक आया नहीं है, इस वाली जनरेशन का आ गया है। एंड लुक्स में बिल्कुल सेम है, बस इंटीरियर में थोड़ा बहुत फर्क है, वो LCI वेरिएंट आप कह सकते हो, थोड़ा सा फेसलिफ्ट है तो उसमें थोड़े बहुत अभी मॉडिफिकेशन वाले लोगों के लिए थोड़ी वो इतनी बढ़िया नहीं है, बट दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हमारी डिफेंडर का भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। भैया एक बार वायरिंग दिखा दो, उसमें क्या डाला है, बोनट खोल के देखते हैं। अरे बढ़िया, कहीं दिखी नहीं थी वायरिंग, परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। इंजन बेग बहुत ही क्लीन है इसका, ये देख लो भाई 400 BHP का इनलाइन 6 बीस्ट। कर दो भैया बंद बोनट, अब
आप टेप लगा दो इसको, घंटा डेढ़ घंटा ऐसे छोड़ देते हैं, थोड़ा अच्छे से बैठ जाएगा और उसके बाद लेके चलेंगे हमारी जानेमन को। A few moments later. तो भाई our defender is all done now. अब यहाँ पर छोड़ नहीं रहा मैं गाड़ी क्योंकि मैं फिर वापस कैसे जाऊंगा, आज कैब से जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसी चलानी पड़ेगी। आई थिंक एटलीस्ट 3-4 घंटे में इस टेप को रखना चाहूंगा ताकि पूरा स्टेबल हो जाए, बट बहुत अमेजिंग लग रही है भाई लाइट्स। और इधर देख लो भाई, मिलो हमारे पुराने दोस्त से, ले लद्दाख रिटर्न, कैसा रहा भाई तेरा ट्रिप? तो दिस इज विद इट्स कार्स, इज समथिंग रियली क्रेजी। एक बार कमेंट करो कि व्हाट डू यू थिंक दिस इज, ठीक है? ये नॉर्मल अभी आपको लग रही है 5 सीरीज है, 530D हो सकती है मैक्सिमम, है ना? दैट वाज द फास्टेस्ट 5 सीरीज, 530D, 530i आती थी इससे पहली वाली जनरेशन में, इसमें 525i तक आई थी ना। एक्चुअली वो ना 535i जब लॉन्च हुई थी तब बेची थी। तो विदित ने अब रिवील कर ही दिया, इट इज अ 535i गाइस, दिस इज नॉट अ 530D, इट इज नॉट अ 520i, नॉट अ 530i, दिस इज अ 535i, इनलाइन 6 सिलेंडर, सिंगल टर्बो एंड अ वेरी मैसिव टर्बो टू बी ऑनेस्ट, विद सम रियली गुड रेस व्हील्स, बहुत प्यारे व्हील्स लग रहे हैं भाई। इस साइड से दिखाता हूँ, एंड दिस कार इज सो वेल मेंटेन्ड। तेरे सब क्या हो रहे, दोनों गाड़ियां आज यहाँ है, ये भी यहाँ, पोर्शे भी यहाँ। बट रियली क्रेजी व्हील्स भाई, अमेजिंग। व्हेन यू बाय दिस? ओके, बहुत क्रेजी लग रही है भाई, एंड प्रिटी वेल मेंटेन्ड। एंड वन फन फैक्ट भाई, इट हैज, जस्ट हैव अ लुक, soft closed doors, ठीक है, but no sunroof, so pretty weird spec. It's got a powered tailgate also. For real, in a 5 series of this generation. And it's got B pillar AC also. Amazing man. It's got a couple of fun spots, but it doesn't have like a sunroof, which us Indians really miss for some reason. And it also had a smaller screen when I got it, छोटी वाली screen. अच्छा, you got the bigger one. बट 530D में तो ऑलरेडी ये बड़ी स्क्रीन देते हैं, इसमें छोटी आई थी, इसमें बहुत छोटी वाली स्क्रीन थी, स्मॉलर 6 इंच वन, बहुत क्रेजी लग रहा है भाई। ये विद्युत की गंदी आदत है, दिस इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, डोंट स्मोक गाइस। अगर आपको लग रहा है आप ये पीते हो कूल लग रहे हो तो मत पियो, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ एंड इट इज वेरी एडिक्टिव, सो प्लीज डोंट स्मोक गाइस। यू कैन हैव अ ड्रिंक समटाइम्स, बहुत कम, थोड़ा थोड़ा। प्रीटी नाइस स्पॉइलर ऑन इट, कार्बन में है और रियल नाइस यार। मेरी ये बहुत गंदी आदत थी, पता, पोर्शे में भी सॉफ्ट क्लोज डोर्स थे, मैं बार बार उसको ऐसे हल्का ही छोड़ता था जान के। अच्छा वैसे दिस इज अ प्रीटी रेयर कार, आई नो दिस, बट व्हाट डू यू थिंक विद इट की कितनी होंगी 535 आई इन इंडिया? एक ग्रुप है 35 ओनर्स का, फॉर रियल 6 लोग, क्या बात कर रहा है, आई नो 5 मोर पीपल हु हैव, ओके, सो आई डोंट नो व्हाट हाउ मेनी एल्स आर देयर, बट हां, सो एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि 10 होंगी ज्यादा, 10 12 होंगी उससे ज्यादा, 10 12, क्योंकि दो तो एक ही आदमी की बात कर रहा हूं, एंड ही इज रियली टेस्टफुली मॉडल्ड, हां वो सीरियसली 535 आई, एंड ही पुट लाइक मैड विंग्स एंड लाइक स्टफ, इट लुक्स रियली गुड, क्रेजी मैन। आई नो अभी जो रेगुलर व्यूअर्स होंगे हमारे, उनको लग रहा होगा जस्ट 5 सीरीज, भैया इतना खुश क्यों हो रहे हैं, विदित इतना खुश क्यों है, गाइस जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस बैजिंग मैन, इट्स अ 535i, सीरियसली मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी पहले वाली जनरेशन में 530i आती थी, व्हिच वाज कंसीडर्ड रियली पावरफुल एट दैट टाइम, सो इमेजिन अ 535i इन द न्यूअर जनरेशन, द F10, क्रेजी। दिस कार इज स्टॉक 310 हॉर्सपावर, 310 इट कम्स स्टॉक, हैव यू ट्यून्ड इट? स्टेज वन, लॉन्ग टाइम, स्टेज वन, आई एम रनिंग, दिस इज गॉट 365, अमेजिंग भाई, अमेजिंग। इफ यू डोंट माइंड, उस टाइम पे हाउ मच डिड यू बाय इट फॉर, क्योंकि तब ये एंथुसिएस्ट वाला वो आया नहीं था, जो हवा चली एंथुसिएस्ट की, ग्रिल्स भी ब्लैक आउट है सामने, फॉर रियल यार, ये मतलब 520i तो कितनी अलग करी हुई है, कूडोस टू समबडी हू स्पेक्ड इट, मतलब आप ये देख सकते हो वर्ल्ड वाइड सनरूफ का कितना शौक नहीं है लोगों को, looks really good. इसमें ये थोड़ा सा डिफ्यूजर टाइप कुछ देने की इन्होंने कोशिश करी है, ओके ओके, लुक्स रियली गुड ब्रो। चल भाई जब बेचेगा बता दियो, यू हैव अ रेडी बायर, चल आई विल टेक योर लीव भाई, अब निकालेंगे हमारी डिफेंडर विद द टेप्स एंड जाएंगे, अच्छा नजर भी नहीं लगेगी, चल बाय।
A few moments later. तो भाई बहुत बढ़िया काम हो गया है, लाइट हमारी नई लगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज हो गई है, तो क्लियरेंस पूरी थी। वैसे मैं पहले पता चल गया था नहीं लगी, कुछ एंटीना के नीचे थी। ये इसमें इश्यूज आते हैं गाइस, ये अंदर ये जो खांचे हैं इसमें ठीक है, ये बीम्स हैं इसमें थोड़े से इश्यूज आते हैं, बट पूरी क्लियरेंस है। बट गाड़ी हमें लो करके लानी पड़ी, एक्सेस हाइट पे लानी पड़ी, तो ये हमेशा इस पार्किंग में लो करके ही आती है गाड़ी। इसको अगर हाई कर दूंगा तो ये ऊपर इसका काम हो जाएगा। और हाँ, ये टेप अभी के लिए लगे रहने दे रहा हूँ, आज रात के लिए लगे रहने दे रहा हूँ, बाद में हम इसको हटा देंगे, एक रात थोड़े पक्का हो जाए। और गाड़ी भाई बहुत सुंदर लग रही है, और आजकल यही चल रही है, थोड़ी इसकी मॉडिफिकेशन सीरीज चल रही है, तो इस चक्कर में इसको आगे खड़ा कर रहे हैं, नहीं तो ये अंदर सिक्योरली इधर भी खड़ी होती है। थोड़ा हमारे साइड में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, थोड़ा मलबा वलबा कई बार गिर जाता है, तो मैंने कहा भाई इसके साथ तो रिस्क ले लूंगा, स्कॉर्पियन के साथ, इसके साथ बिल्कुल नहीं ले सकता। सो यस, दिस इज इट फॉर नाउ, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और हमारी जो मॉडिफिकेशन सीरीज चल रही है हमारी डिफेंडर की, ये पसंद आ रही हो। अब इस वीडियो को लंबा ना करते हो, आप लोगों से लेता हूं अलविदा। यू गाइस नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली, जल्दी से 6 लाख पहुंचा दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस और ऐसी बढ़िया बढ़िया मॉडिफिकेशंस और गाड़ियां मिस ना करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टीम का क्या, बाय बाय, लव यू ऑल।